सिटी लाइव के शब्द संसार दिल से कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ कवि नरेंद्र शर्मा जी लाटा साहब का। नमस्कार लाटा साहब। मैं स्वागत करता हूं लेखिका और कवित्री डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ मैडम का। मैडम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आज सिटी लाइव के इस शब्द संसार दिल से कार्यक्रम में हम कुछ रचनाधर्मिता से जुड़े हुए हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनकी रचनाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ कवि नरेंद्र जी शर्मा साहब से अपना संक्षिप्त परिचय और देते हुए आप अपनी रचना प्रस्तुत करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है लाटा साहब जी। धन्यवाद, आपने मुझे जो ये अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं नरेंद्र लाटा साहित्य का कवि आलोचक और कथाकार हूँ। बहुत अच्छा। और मैंने जो है अपने भारतीय जो उपनिषद हैं जी उनका हिंदी काव्यानुवाद किया है जो प्रकाशित हो चुका है और राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है वो उसको वो तो नहीं कह सकते अपन, राज्यपाल महोदय को भेंट किया जाता है तो मैंने भेंट की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाजार जी तो मैं बचपन से लिखता रहा हूँ। मैं अपनी एक प्रारंभिक रचनाओं में से एक सुनाता हूँ आपको। स्वागत है सर। स्वागत स्वागत। प्यारा सा सपना सजा कर, प्यारा सा सपना सजा कर, क्षितिज को अंगुली दिखा कर, भोर की तू कर प्रतीक्षा, भोर की तू कर प्रतीक्षा, तू दिए को रख जला कर, तू दिए को रख जला कर, इंद्रधनु को तान नभ में, इंद्रधनु को तान नभ में, दुख की बदरी से निकल कर, पावसी बोछार कर दे, पावसी बोछार कर दे, तू दिए को रख जला कर, तू दिए को रख जला कर, मत निराशा धार मितवा, मत निराशा धार मितवा, अर्ध सत्यों में उलझ कर, सत्य की रख खोज जारी, सत्य की रख खोज जारी, तू दिए को रख जला कर, तू दिए को रख जला कर, निंदा की संजीवनी से, निंदा की संजीवनी से, ऊर्जा फिर जीवंत कर, ओ एक कोना भी अंधेरा, एक को ना भी अंधेरा, दिए को रख जला कर, तू दिए को रख जला कर, काली रात तुमको मिटा दे, काली रात तुमको मिटा दे, तम का सीना चीर कर, प्रात का उद्घोष कर दे, प्रात का उद्घोष कर दे, दिए को रख जला कर, अंतिम है जी। स्वागत है। बांट दे राहों में खुशियां, बांट दे राहों में खुशियां, नैन नीर
नीर नैनू का छुपा कर बांट दे राहू में खुशियां, नीर नैनू का छुपा कर शब्र का तू बांध बन जा, शब्र का तू बांध बन जा, तू दिए को रख जला कर, तू दिए को रख जला कर। लाटा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तू दिए को रख जलाकर, ये एक उम्मीद की जो किरण है, ये हम सबको जीवन का सही मायने में एक सच्चा पाठ पढ़ाती है। आओ अंधेरों को हम कुछ यूं मिटाएं, आओ अंधेरों को हम कुछ यूं मिटाएं, सूरज अगर ना बन पाए तो चलो एक दीप जलाएं, चलो एक दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लाटा साहब। अब मैं मैडम रश्मि जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कोई सुंदर सी रचना लेकर के हमारे जो दर्शक हैं उनसे मुखातिब हो। मैडम रश्मि जी। जी, मैं सिटी लाइफ टीम का बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप सब आदरणीय नरेंद्र जी की रचना बहुत अच्छा उन्होंने वातावरण बनाया है, और ये जो दीप है वो मैं सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में रखना चाहती हूँ। तो सुनिएगा, क्योंकि हमारी परंपरा है कि कोई भी काव्य पाठ माँ बागेश्वरी की वंदना से आरंभ करते हैं, तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं, माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं, भाव गुंफित हार में अर्पण करूं, माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं, हूँ सुशोभित भाल पर मुक्तामणि से, हूँ सुशोभित भाल पर मुक्तामणि से, रजत रज निज को करूं चंदन करूं, रजत रज निज को करूं चंदन करूं, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक मुक्तक रखती हूँ आपके समक्ष। जी, स्वागत है आपका। कि शब्द गंगा में नहाने आ गए हम, शब्द गंगा में नहाने आ गए हम, कलुष सब मन का मिटाने आ गए हम, आज मन की शुद्धि का प्रण ले लिया है, आज मन की शुद्धि का प्रण ले लिया है, हृदय को निर्मल बनाने आ गए हम, शब्द गंगा में नहाने आ गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और मुक्तक मैं रखना चाहती हूँ आपका, नए जी नए दौर का मुक्तक है जी, कि मन का मौसम था जिसमें
सुहाना हुआ मन का मौसम था जिसमें सुहाना हुआ, उस गली से ही रिश्ता बेगाना हुआ, उस क्या बात है, गली से ही रिश्ता बेगाना हुआ। अब तो खिड़की ही उस घर की खुलती नहीं, जब से उस घर में एसी का ना हुआ, क्या बात है। जब से उस घर में एसी का आना हुआ। आज के दौर का, बिल्कुल और मुझे लगता है जी बिल्कुल सही कहा जी आपने जी कि जब से एसी आ गए हैं हमारे ये गवाक्ष, हमारे वातायन ये बंद हो गए हैं, शुद्ध जी हवा जी जी आना बंद हो गई है, परिंदों का देखना बंद हो गया है। जी जी बिल्कुल 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 जी, जी। और स्वागत। अगर अगर मुझे इजाजत हो तो मैं एक और घनाक्षरी अभी नई लिखी है, वो भी कुछ नए अगले दौर की अग, ही है, अग, अगले अगले उसमें। अगले जी जी अगले दौर में बिल्कुल आपका स्वागत जी है। जी 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 मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जी है जी टीकम बोहरा अंजाना है। जी मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ, और आप जी साहित्यकारों की संगत में जब बैठने लगा तो कुछ लिखने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, बहुत बहुत और बहुत मेरी 3 पुस्तकें हैं प्रकाशित हो चुकी है, कविता संग्रह माँ से प्यारा नाम नहीं, अरे माटी वाह बहुत हिंदुस्तान की, जी और महाबलिदानी जो पन्नाधाई है उसके इतिहास को मैंने पोएटिक फॉर्म में लिखा है, महाबलिदानी पन्नाधाई। तो बहुत मैं अपनी जो पहली पुस्तक है माँ से प्यारा नाम नहीं, उससे मैं एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो हम सभी की दुनिया की जो माताएं हैं उनको डेडिकेटेड है। कि मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है, मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है, मेरी आवाज से ही माँ मेरा बुखार नाप लेती है, मेरी आवाज से ही माँ मेरा बुखार नाप लेती है। बिन मांगे ही माँ अनचाहा माँ मुझे अपने आप देती है, माँ से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने संतान की ख्वाहिश को बिल्कुल समझती है। कि बिन मांगे ही माँ मन चाहा मुझे अपने आप देती है, डर जाता हूँ जब भी माँ मुझे अपने सीने का ताप देती है, बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है। रूठने पर भी माँ मुझे रोटी चुपचाप देती है, यदि माँ हमारी रूठ जाएगी और अगर बोलेगी कि नहीं आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोटी थाली में, कि रूठने पर भी माँ मुझे रोटी चुपचाप देती है, मेरी सलामती के वास्ते माँ खुद पर संताप लेती है, मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है। कि मेरी हर गलती पर बहुत माँ, मेरी हर गलती पर माँ खुद पर पश्चाताप लेती है, मेरे हर गुनाह को माँ खुद पर निष्पाप लेती है, मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती भाप है, लेती माँ मन बहुत मेरा बहुत भांप लेती है। माँ बहुत बहुत इतनी कोमल हृदय होती है कि रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है, कि रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। नित्य नई खुशियां उगाती है मेरे दामन में, नित्य नई खुशियां उगाती है मेरे दामन में, दुआओं के इतने बीज माँ मेरी बो देती है, रोटी अगर एक क्या बात मांगू तो वह मुझे दो देती कितने देती है, चोट अगर मुझे लगे तो वह रो देती है। कि सिर झुकाता हूं जब भी उसके कदमों में, सिर झुकाता हूं जब भी उसके कदमों में, हर बार आशीषें मेरी माँ सो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। हम कितने ही बड़े हो जाएं कि उसके लिए तो आज भी मैं मासूम बच्चा हूं, कि उसके लिए तो मैं आज भी मासूम बच्चा हूं, मेरे गुनाहों गंदगी माँ भी धो देती है, रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। कि अंधियारा ए मायूसी जब भी महसूस करता हूँ,
कि अंधियारा ये मायूसी जब भी महसूस करता हूँ, माँ मुझे उम्मीद की हर बार नई लो देती है, उम्मीद की हर बार नई लो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। और अंतिम अंतरा कि माँ की पनाह हर खतरे से करती है हिफाजत, माँ की पनाह हर खतरे से करती है हिफाजत, माँ से जुदाई की कल्पना, माँ से जुदाई की कल्पना आंखें मेरी भिगो देती है, रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है, माँ मेरी रो देती है। तो माँ के ये प्रति हम सब की जो माँ हैं, माताएं हैं, वो हमारे प्रति, हम संतान के प्रति इतनी ही करुण हृदय होती है। तो इसलिए सारी दुनिया की जो माताएं हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब मैं लाटा साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी कोई छोटी सी लघु रचना फिर से दूसरे दौर के अंदर हमारे सब दर्शकों के लिए अगर प्रस्तुत कर दें तो बहुत अच्छा होगा। लाटा साहब जी जी, ये अभी जो दौर चल रहा है, आपने अभी माँ का वर्णन किया जी जी, लेकिन अपने दौर में मुझे लगता है कि एक नया दौर है ये, जब पेरेंट्स को, अभिभावकों को जो है बच्चों के बारे में जो है बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, बच्चों को समझने में भी उनको दिक्कत होती है, बच्चे उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या क्या चाहिए उनको, उनकी इच्छाएं क्या हैं और उनको क्या करवाया जाता है। तो इस पर मैंने एक एक किशोर मन की जो दुविधा है उसको। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। यवनिका अपने अंतर मन की, यवनिका अपने अंतर मन की किसके सम्मुख खोलूं मैं, नहीं खुला कोई वातायन, नहीं खुला कोई वातायन, निज परिवृत में घिरे हैं सब, सबके अपने अपने आग्रह, औरों की बात सुनेंगे कब, तुमुल शोर छाया गलियों में, तुमुल शोर छाया गलियों में, कैसे यहाँ कुछ बोलूं मैं, यवनिका अपने अंतर मन की किसके सम्मुख खोलूं मैं। स्नेहिल सा वे स्वर्फ स्पर्श कहाँ है, स्नेहिल सा वे स्पर्श कहाँ है, अपनत्व भरी बस एक नजर, अनुरागी स्मित हास कहाँ है, प्रीत पगी स्वप्निल सी डगर, अनुरागी स्मित हास कहाँ है, प्रीत पगी स्वप्निल सी डगर, कहाँ शांत सी तल छाया, कहाँ शांत सी तल छाया, जिसमें पल भर छोलू मैं, न यवनिका अपने अंतर मन की इसके सम्मुख खोलू मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंतिम है, यह किशोर मन की अकुलाहट, यह किशोर मन की अकुलाहट, कोई इसको समझे क्यों, अपनी अपनी राह सभी की इन कांटों में उलझे क्यों, ये किशोर मन की अकुलाहट, कोई इनको समझे क्यों, अपनी अपनी राह सभी की इन कांटों में उलझे क्यों, किस आंचल में वदन छुपाकर, इस आंचल में वदन छुपाकर, नयन नीर से धोलू मैं, यवनिका अपने अंतर मन की किसके सम्मुख खोलू मैं, किसके सम्मुख खोलू। बहुत शानदार रचना। वास्तव में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में नई पीढ़ी को हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, खास तौर से जो कामकाजी परिवार हैं जिनमें बच्चे के माता और पिता दोनों ही किसी न किसी काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, तो उस दशा के अंदर आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चों के ऐसी भावनाओं को आपने प्रस्तुत किया, धन्यवाद। अब मैं रश्मि मैम से निवेदन करूंगा कि आप अपनी कोई लघु रचना हमारे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैडम रश्मि जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक घनाक्षरी, मैंने आज के दौर में एक बिल्कुल नया वो है तो उस पे लिखी है, मैं आप जी जी स्वागत प्रस्तुत करती हूँ कि एक बार एक कवि दूसरे को देख कर, एक बार एक कवि दूसरे को देख कर, लाइव सुनाने हेतु प्लान करने लगे। अच्छा। एक बार एक कवि दूसरे को देख कर, लाइव सुनाने हेतु प्लान करने लगे, आधे ही दिखाई देंगे कैमरे में सोच कर, आधे ही दिखाई देंगे कैमरे में सोच कर, टाई और शर्ट में व्याख्यान करने लगे, आधे ही दिखाई देंगे कैमरे में सोच कर, टाई और शर्ट में व्याख्यान करने लगे,
ओ बोलते ही कवि जी को जाने क्या नजर लगी, बोलते ही कवि जी को जाने क्या नजर लगी, ऊह आह वाली वो तान करने लगे, और बहुत अच्छा। कुर्सी पे पड़ी हुई चुभ गई आलपिन, कुर्सी क्या बात है, पे पड़ी हुई चुभ चुभ गई गई आलपिन, आलपिन बरमूडा में ही राष्ट्रगान करने लगे, बरमूडा में। में ही राष्ट्रगान करने लगे। एक बार कभी 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 ऐसा भी आपने आपने बिल्कुल जी मैडम सही कहा है। इसी कोरोना क्राइसिस के दौर में जो जी बेचारे पेंट और शर्ट है वो अलमारी में आपस में बातें करते हुए 50 दिन तक इतने बोर हो गए, बरमूडा था जो उसके रोज धुनाई हो रही थी। हाँ, बरमूडा जी तो जी बरमूडा आजकल जो है राष्ट्रीय पोशाक बन चुका है। राष्ट्रीय पर बहुत जी बहुत बहुत सुंदर बिल्कुल मुक्तक आपका, बहुत जी वास्तविक जी जी वास्तविकता को प्रदर्शित करते हुए। जी अब ये और जो अगर कुछ कोरोना की जी जो बात चली है, तो कोरोना में जी बहुत सारे संकट में बहुत सारे लोगों ने जो कितना अच्छा काम किया है, तो ऐसे जी लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता तो बनती ही है। बनती तो है इस बिल्कुल तो जी जी फिर चलो चलें कि काम करें कि जी चलो चलें कि काम करें, कोरोना से जो लड़ते हैं आओ उन्हें सलाम करें, चलो चलें कि जी काम करें। डॉक्टर नर्सेज लेब वालों की खतरे में रहती जान है, आप और हम तो घर जी पे बैठे हैं, बिल्कुल डॉक्टर सही नर्सेज लेब वालों की खतरे में रहती जान है, कोरोना से लड़कर ये रोगी के बचाते प्राण हैं, पर इनकी हिम्मत हौसले को आओ हम प्रणाम करें, कोरोना से जो लड़ते हैं दिल से उन्हें सलाम करें। कि धूप में तपकर की है सेवा, धूप में तपकर की है सेवा पुलिस और प्रशासन ने, कि धूप में तपकर की है सेवा पुलिस और प्रशासन ने, जनता की जान बचाने को जतन किए हैं शासन ने, अरे छोड़े नादानी लापरवाही बेकार नहीं परिणाम करें, कोरोना से जो लड़ते हैं दिल से उन्हें सलाम करें। कि कोरोना के योद्धाओं का आओ सब सम्मान करें, कोरोना के योद्धाओं का आओ सब सम्मान करें, इनकी मुश्किल सेवाओं का आओ हम सब गुणगान करें, अपमान करके इनका मानवता को ना बदनाम करें, कोरोना से जो लड़ते हैं आओ उन्हें सलाम करें, चलो चलें एक काम करें, कोरोना से जो लड़ते हैं आओ उन्हें सलाम करें। रश्मि जी, आप कुछ और सुना रही थी तो स्वागत है आपका। जी। जी मैं कुछ दोहे, आजकल बड़ी बदहाली की स्थिति है, जब देखते हैं तो राजमार्ग पे बड़े, मतलब मन इतना ज्यादा व्यथित है देखकर कि मतलब बहुत करुणा का दृश्य देखने को मिलता है। जी। और मतलब आप ये समझिए कि क्या कहूँ, बस दिल इतना द्रवित हो जाता है, कई बार लगता है कि जैसे ये मतलब भारत के वो ही नहीं है, मतलब इनके लिए किसी ने कोई प्लान ही नहीं किया हुआ। सरकारें बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, तो दोहा देखिएगा मैं इस पे जी, कुछ स्वागत। कि राजमार्ग पर जा रहे बांधे अपना पेट, राजमार्ग पर जा रहे बांधे अपना पेट। और शहरों में रोटी नहीं, शहरों में रोटी नहीं गांव भरेगा पेट, क्या बात है, राजमार्ग पर जा रहे बांधे अपना पेट। और देखिएगा दूसरा दोहा कि देखो ये मजदूर भी भारत माँ के लाल, देखो ये मजदूर भी भारत माँ के लाल, सरकारें अब सजग हों लेवे इनका हाल, सरकारें अब सजग हों लेवे इनका हाल। रचना तो और भी लिखी है, वो अभी फिर सामने मुझे नहीं दिख रही है, और अभी नई नई लिखी है तो याद भी नहीं है, तो मैं कुछ और सुनाती हूँ जी जी। स्वागत। इसी दौर में बहुत सारा वो हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं एक गीत रख सकती हूँ, कितना समय है मुझे? मेरे ख्याल से हमारे आधे घंटे का समय था, तो मुश्किल से 5 मिनट का समय बचा होगा। जी, मैं जी थोड़ा तो मैं एक गीत रख, आप आदेश करें, मैं गीत रख सकती हूँ जी? उधर से मुझे आवाज नहीं आई, हाँ जी, संचालक महोदय की आवाज नहीं आई, मैं हाँ जी, गीत अरे रख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत जी है जी मैडम जी रश्मि जी। जी जी और मुझे लगता है कि अभी मैं जब हम
संकट का ये दौर है, महामारी का, और मुझे लगता है कि मनोबल, मैं आज जानबूझ के कुछ, मैं संवेदनाओं की कवित्री हूँ, विद्रूपताओं पे समाज की लिखती हूँ, लेकिन आज मैं शायद वैसा सुनाने वाली नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुछ हमें मन को हल्का करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे का इससे मनोबल भी बढ़ता है। जी तो मैं गीत रखती हूँ कि मन से मन के तार जुड़े तो बजने लगा सितार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। मन से मन के तार जुड़े तो बजने लगा सितार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। बंद देखेगा कि निखरे निखरे आज लो में दर्पण देख ल जाए, पवन झकोरा कोई आकर सांसों को महकाए, वो लगता है चंदन वन का, वो लगता है चंदन वन का कोई राजकुमार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। और अगला बंद, जी। उसकी नजरें मुझको देखे जादू सा कर जाए, उसकी बातें हर दम दिल में कितना शोर मचाए, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है वो ही रहा पुकार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। और क्या होता है यादों में कि उसके संग यादों में अक्सर ऐसे समय बिताऊं, नदिया की लहरों से खेलूं, इठलाऊं बल खाऊं, नील गगन तक उड़ू संग संग, नील गगन तक उड़ू संग संग, अपने पंख पसार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। और अंतिम बंद रखती हूँ जी, स्वागत। जब एकाकार हो जाते हैं प्रेम में हम, तो क्या होता है कि एक रंग में दिखे सभी को हम यूं घुल मिल जाए, किसी कोण से देखे कोई एक नजर हम आए, सागर में मिल जाती नदियां, सागर में मिल जाती नदियां, क्या दिखती है जलधार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार, मन से मन के तार जुड़े तो बजने लगा सितार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी किसी को होता है इस दुनिया में प्यार, अक्सर मन के तार बजते कहता है संसार। तो आप जो बात बता रही हैं, बिल्कुल दिल से दिल का जब रिश्ता होता है तो ऐसा ही होता है। तो इस संकट के दौर में हम सबको इसी तरह से प्रेम, मोहब्बत और दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे आना होगा। सब सुखी हों, कष्ट न कोई पाए। हम अगर दूर बैठ करके किसी के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ा सकते, तो हम भावनात्मक रूप से तो लोगों की मदद करने के लिए दुआ कर ही सकते हैं। सब सुखी हों, कष्ट न कोई पाए,
आओ दिल से करें दुआएं, आओ दिल से करें दुआएं, चाहे पकवान भले हम खाएं, पर भूखे को भी रोटी एक खिलाएं, अपनों को हम चाहे शरबत पिलाएं, पर प्यासे को पानी जरूर पिलाएं, आओ दिल से करें दुआएं, सब सुखी हो कष्ट न कोई पाएं, आओ दिल से करें दुआएं। अब मैं लाटा साहब से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट के समय हम लोगों के पास है, तो आपकी कोई कोई मुक्ता, कोई छोटी लघु रचना हो तो आप अवश्य पेश कीजिएगा। लाटा साहब, हाँ, ये इस अभी जो चल रहा है उस प्रसंग से कुछ अलग है, अलग जोनर है। जी। नदिया से पूछते हो छल छलाने का राज, नदिया से पूछते हो छल छलाने का राज, दो तटों के बीच कभी तुम सिमट कर देखना, दो तटों के बीच कभी तुम सिमट कर देखना, आनंद का अतिरेक चाहते हो जानना, आनंद का अतिरेक चाहते हो जानना, किसी मजलूम के गले तुम लिपट कर देखना, क्या बात, किसी मजलूम के गले तुम लिपट कर देखना, बल दिखाने के लिए फड़फड़ाती हो बुझाएं, बल दिखाने के लिए फड़फड़ाती हो बुझाएं, मानवता के शत्रु से, मानवता के शत्रु से तुम निपट कर देखना, कंठ में घुटे हो बोल, कंठ में घुटे हो बोल, शब्द चाहे राह तो, कंठ में घुटे हो बोल, शब्द चाहे राह तो, सत्य न्याय पक्ष में तुम उलझ कर देखना, आंख ना हो शीर्ष पर पहुंचने का मूल्य तो, आंख ना हो शीर्ष पर पहुंचने का मूल्य तो, पीछे छोड़ा है किसे तुम पलट कर देखना, पीछे छोड़ा है किसे तुम पलट कर देखना, प्यार कहते हैं किसे विरह वेदना है क्या, प्यार कहते हैं किसे विरह वेदना है क्या, प्यार की संकरी गली में तुम रपट कर देखना, प्यार की संकरी गली में तुम रपट कर देखना, चीर हरता कर रहे लाल सा सम्मान की, चीर हरता कर रहे लाल सा सम्मान की, ओ दुशासन दंभ को तुम समन करके देखना, ओ दुशासन दंभ को तुम समन करके देखना, अंतिम है, मरा मरा करोगे तो रोज मरते ही रहो, मरा मरा करोगे तो रोज मरते ही रहो, शब्द के अक्षर जरा तुम पलट कर देख, शब्द के अक्षर जरा तुम पलट कर देख। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना संकट के दौरान ये आप सबकी जो रचनाएं हैं हम सब लोगों को प्रेरणा देगी और एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं को और जागृत करेगी, हम दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे। सिटी लाइव के इस कार्यक्रम शब्द संसार दिल से, इसमें आप सब ने भाग लिया, हमारे श्रोताओं ने भी इसको देखा, तो आज ये भाग लेने वाले नरेंद्र जी लाटा साहब का और मैडम रश्मि जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज आपने दर्शकों के सम्मुख अपनी रचनाओं से मुखातिब होकर के भावनाएं अपनी प्रस्तुत की। हम फिर से मिलेंगे, आप सभी के लिए मैं आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। City Live, a platform sharing your thought. City Live, a platform